वीलॉग स्टाइल में दिखाते हैं आपको 2015 की जर्नी राजा 3D के साथ। और ये जो मेरे साथ है वाइट कमीज वाले, ये है मेरे मासी के लड़के, नाम है विकी, उर्फ विकी है। और दाढ़ी और बालों एकदम शाइनिंग है, बंदे का स्वैग है, लेकिन भाई से बढ़कर है, जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई को। और जैसे जैसे करेक्टर आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे कि कौन क्या है। और ये अभी स्कूल में आ गए, और पीछे जो लड़का है खड़ा है वो है मेरा बचपन का दोस्त, नाम है चरणजीत, उर्फ प्यार से उसे चन्नी कहते थे हम 10th क्लास में। एंड बीच में आपने गाड़ियाँ देखी हैं, और ये पूरे स्कूल का नक्शा आपको दिखा रहे हैं वीलॉग स्टाइल में। एंड वो जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लें जहाँ जहाँ तक हम जा सकते थे। तो चरणजीत ने बहुत हेल्प की, और मनदीप वीडियो में नहीं है, लेकिन मनदीप ने भी बहुत हेल्प की। एंड ये वही क्लासेस है जहाँ पर मैंने फर्स्ट से लेकर 10th तक अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, स्टडी हासिल की, और बहुत अच्छे दोस्त बने। काफ़ी लोग अभी अब्रॉड में, जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ अभी USA में। और फिर उसके अगले दिन हम पहुँचे चंडीगढ़, जहाँ पर मुक्कू, मनीषपुरी जैसे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही कहते हैं दिलदार लोग मिले, उनको वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया। फिर उसके अगले दिन हम मेरे गांव गए, नाम है गांव का हियाला, जो कि मेरे शहर के पास, और जहां पर विक्की कुछ पंखे के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो गर्मी थी, लाइट चली गई थी, तो उसका पूरा तो उसके बाद फिर हम अपने गुरुद्वारे पहुंचे, और ये बंदा फिशिंग कर रहा है, देसी फिशिंग है, देसी फिशिंग। वहाँ पर भी हमने थोड़ा वर्चुअल रियलिटी शूट किया, और ये मेरे गांव की शाम, गन्ने के खेत, सूरज डलता हुआ सूरज, एंड वहाँ की फिजाएँ, हवा, बहुत याद आती है। जब भी गांव में, जब भी मैं जाता हूँ इंडिया, तो मैं अपने गांव ज़रूर होकर आता हूँ। एंड और उसके अगले दिन हम गुरुद्वारे गए, तो वहाँ पर भी काफ़ी पिक्चरें वगैरह की, वहाँ दर्शन किए गुरुद्वारे के, काफ़ी मंदिरों में भी घूमे, गुरुद्वारों में भी गया मैं। तो जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगे, क्लिप्स आते रहेंगे, आपको मैं बताता रहूँगा। और उसके अगले दिन हम गए भगत सिंह, जहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ, और वहाँ पर ये हमें इंसान मिला। ये बंदा कुल से बेच रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन 20 साल से बेच रहा है, बहुत ही हार्ड कर रहा है। और मैंने भी खोल के नहीं काट सकते, और 20 साल हो गए, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ USA में नहीं मिलती हमें, कुल्चे छोले टोटली देसी स्टाइल। आप इतने सुंदर भी लगते हैं, कुमार का सावन का। और फिर उसके अगले दिन हम पहुँचे कुरुक्षेत्र, और पीछे आप देख लिए ब्रह्म सरोवर में 3D वर्चुअल रियलिटी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मेरे कज़न लोगों ने कैमरा पकड़ा हुआ है। और ये है मनीष, मेरे मामी जी के लड़के, ड्राइवर एंड मी, और ये विकी। ये इसके बारे में बताएंगे थोड़ी देर बाद, इसका भी एक वीडियो सीन आएगा, तो आपको उसके बारे में बताएंगे हु इज दैट गाय। और बीच बीच में ये कभी सुपरमैन भी आ जाता है जो शहर में उड़ा मोटरसाइकिल पर। और फिर उसके अगले दिन हम बोहिमिया द पंजाबी रैपर का शो भी देखने गए, मैंने अपने कजनों को। वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग मिले। और उसके बाद ये मखरौड़गंज जगह है, इंडिया में ही है, पंजाब में ही है, तो बहुत ही अच्छा लगा पहली बार जाकर। बहुत ठंडा पानी था, तो वाटरफॉल भी है काइंड ऑफ, तो वहाँ वीडियो वगैरह शूट की हमने। और ये पीछे टीटू है, टीटू बिक्का और मेरा कज़न विकी,
और ये ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। और बिका यहाँ पर गाने गा रहे हैं, बंदे की आवाज़ में बहुत दम है। अभी मुंबई में रहते हैं और उसके बाद हम ये कहें एक मंदिर है नेपाल, नेपाल जैसी फीलिंग आ गई, नेपाली जैसी फीलिंग। तो फिर हरमंदिर साहब भी हम गए दर्शन करने, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी शूट करना था। और ये उसके बाद हम ऋषिकेश, हरिद्वार, वहाँ पर भी थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी में शूट करना था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी कराया लोगों को कि फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी का क्या होगा। और फिर आरती भी सुनी हमने, जो कि बहुत ही मशहूर है हरिद्वार में, हर रात को जो होती है, तो उसके दर्शन भी वो हुए, मन को थोड़ी तसल्ली हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया में 2015। जितना जितना रिकॉर्ड किया कर ली हम खींच ली जहाँ पर सुखी द म्यूजिकल नर्जा। तो आ गया मंगरी, आ गया, मजा आया। वो एक गांव की याद आ गई, गलियों की याद आ गई। तो एकदम स्ट्रेस फ्री लोग रहते हैं वहाँ पर, जैसे आप देखते हैं जैसे जानवर घूम रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और सबसे मज़ा आया ये गरम गरम छलियाँ, जिसे हिंदी में भुट्टा कहते हैं, तो वो खाने का बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर वीडियो एंड करता हूँ।